हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। तो कोपा अमेरिकन लीग का मैच हो रहा है मेक्सिको वर्सेस इक्वेडर के बीच। तो 5:30 बजे मैच खेला जाएगा इन दोनों टीम्स के बीच। पहले भी बहुत मैच हुए हैं, ये कोई नई टीमें तो है नहीं भाई। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो बात करूँ इस मैच की, तो मेक्सिको एंड इक्वेडर में मेक्सिको टीम जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि उनके ना सारे के सारे प्लेयर ना मेक्सिको लीग में खेलते हैं या फिर मेजर लीग सॉकर में। और वो सुबह रोज मैच होता है उनका डोमेस्टिक लेवल का, जिसमें मैं रोज़ देखता हूँ कोई ना कोई गोल कर रहा है। तो मेरी ना थिंकिंग वैसी होगी कि ये गोल करते हैं, मतलब मेरा। लेकिन इक्वेडर की यहाँ पर मैं बात करूँ भाई साहब, इक्वेडर के पास गिनती के 2-4 अच्छे प्लेयर हैं, बाकी टीम तो इनकी बेकार है। लेकिन वो 2-4 को हिलाने के लिए पूरी टीम की जान लग जाती है, इतने स्ट्रॉन्ग है इक्वेडर के प्लेयर। इक्वेडर को एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा है। मेक्सिको अभी इतने हाई लेवल मैचेस नहीं खेली, इक्वेडर ने हर बड़ी टीम के साथ खेला है भाई। जो बड़ी से बड़ी टीम आप मानते हो ना कोपा अमेरिकन में, अर्जेंटीना, ये वो, सबके साथ खेला है इन्होंने। इक्वेडर इतनी अच्छी टीम है। तो आगे चलते हैं। अब एक बार देखो ना, इक्वेडर एक जगह जिसकी एक्सपीरियंस की बात चल रही है, ठीक है, एक टीम ऐसी जिसकी फॉर्म की बात चल रही है। अब क्या होगा, इट्स लिटरली रिस्की भाई। तो स्ट्राइकिंग में वेलेंशिया इंजर्ड है, वेलेंशिया आज का मैच नहीं खेल रहा। 23 जून के मैच में से रेड कार्ड भी मिला था, एंड आफ्टर रेड कार्ड ये अभी के लिए थोड़ा इंजर्ड भी। अगर ये इंजरी ठीक हो गई होगी तो दिख जाएगा। एस जिमेनेस की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पे सैंटियागो जिमेनेस के साथ जाऊँगा, जो कि ये बंदा पहले उसमें खेलता था, क्या बोलते हैं अपना, शायद नीदरलैंड लीग में खेलता था, ये याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसमें जिमेनेस के अंधाधुंध गोल थे। इसका गोल रेशियो 80% है, 80-90, इतना गोल रेशियो किसी का नहीं होता जो ये कर रहा है। उसके बाद ना जे क्विनस को यहाँ पर मैं लूँगा यू एंटना की जगह। देखिए यार, यू एंटना डोमेस्टिक लेवल पर चला नहीं, कहने को हम लोग इंटरनेशनल करते रहते हैं, अब करके दिखाओ ना इंटरनेशनल मैच। क्या हुआ, जमैका के आगे फ्लॉप, वेनेजुएला जैसी टीम के आगे फ्लॉप। तो यहाँ क्या करेगा ये, आज कुछ नहीं करना इसने। क्विनस चलेगा यहाँ पर, क्विनस के पास एक्सपीरियंस की कमी थोड़ना है, उससे ज़्यादा ही रखता है, ठीक है। एंटोना ने खेले होंगे इंटरनेशनल, लेकिन मेरी नज़र में डोमेस्टिक की बहुत अहमियत है। सामने भी कोई बड़ी टीम नहीं है, और बस 2-4 प्लेयर उनके अच्छे हैं, जो एक है उसको वो इंजर्ड है, तो सरमिंटो को लेना पड़ेगा। पिछले मैच में मैंने सरमिंटो को लिया था, मेरी मजबूरी थी, गोल नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, 23 जून को भी लिया था मैंने, तो ये तो चलता है। और मिडफील्डिंग में देखिए भाई, ई एलवरेस तो शायद सुनने में आ रहा है कि इंजर्ड चल रहा है, ये सुनने में ऐसा आया। तो सेंचियस का भी सुनने में आया, दोनों में से कोई इंजर्ड है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, दोनों का नाम एक जैसा है, मैं भूल गया हूँ। मैं अभी चेक किया था यार, अभी 10 मिनट पहले, अब मेरे को ध्यान से निकल गया है। तो अभी आप एम कैसेडो को लो, कैसेडो के बाद देखिए आप ग्रूजो को लो, बिकॉज यू वांट पॉइंट्स, आपको पॉइंट चाहिए। आप के पॉइस को भी लोगे, आपको पॉइंट चाहिए, आप पॉइस को लो, ग्रूजो को लो, पर आपको पॉइंट्स से मतलब होना चाहिए। एंड बात करें इसकी येबुआ की, येबुआ को मैं नहीं ले रहा, फर्स्ट मैच में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ली, सेकेंड मैच में भी रख ली, बट एक शॉट ऑन टारगेट तक नहीं आया, तो गोल तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए यहाँ पर अब आप ना एक सेफ प्लेयर के साथ जाओ। यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स हैं, रोमो जैसे हो गया, तो ये बड़े सेफ प्लेयर हैं, जैसे एल्वरेज हो गया, अगर वो खेलते हैं, अगर नहीं खेलते दैन माई प्लेयर वॉज हुएटा, मैं हुएटा के साथ जाना चाहता हूँ। एंड आई थिंक ये शायद खेले, अगर ना खेले फिर तो मेरे भाई एल्वरेज को ले ही लेना। तो और डिफेंडिंग की बात करें, पी हिंकैपी द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ इक्वेडर डिफेंडिंग लाइनअप्स, पूरी लाइनअप्स के अंदर अगर इनकी टीम में कोई इनफॉर्म प्लेयर है तो ये है, क्योंकि ये बेयर लेवरकुसन से खेलता है बंडसलीगा लीग में, बहुत फाड़ू है। उसके बाद आइरियस लेंगे, वेस्कोस लेंगे, आइरियस पिछले मैच में ऐसा सब्स्टिट्यूट आया था, हो सकता है प्लेइंग 11 में जगह दे। सैंचियस को शायद जगह ना मिले अगर रियस खेले, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। आई एम गोइंग विद अटियागा, मैं इसको कभी भी ड्रॉप नहीं करता। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो मेरी टीम है डोमिंग्यूस, मैं चाहूँ तो क्लीन शीट के लालच में ले सकता हूँ गोंजालेस को, बट नहीं। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जिमेनेस, वाइस कैप्टन है क्विनेंस। ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।